तो ठाकुर जी जब पधारते हैं तो कन्हैया की लीलाएं बड़ी माधुर्यमय है। उन्होंने गोपियों के वस्त्र उठाए, कदंब पर जाकर बैठ गए। अब गोपियों ने देखा हमारे वस्त्र कहां गए। एक बोली देखो देखो वो कदंब पर कोई बैठा है। अच्छा इस लीला में लोग जो है ये सोचते हैं कि श्री कृष्ण ने कुछ गलत किया। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उस समय श्री कृष्ण की अवस्था कितनी थी। यदि आप मानव के रूप में देखते हैं कितनी उम्र थी। 7 वर्ष के कन्हैया ने तो गोवर्धन उठाया है और ये लीला उसके पहले की है। लगभग 6-6.25 वर्ष की उम्र कन्हैया की थी। आज इतना भयंकर कलयुग आ गया, इतना दूषित वातावरण हो गया है राठौर साहब, उसके बाद भी 6-7-8 वर्ष के बच्चे के अंदर कोई विकार नहीं होता। 6-7 वर्ष का बच्चा ये भी नहीं जानता स्त्री क्या पुरुष क्या। तो बतलाइए आज से 5,000 वर्ष से भी अधिक समय हो गया, तब कोई 5 वर्ष का बालक 6 वर्ष का बालक क्या विकार रखेगा। और वो जो गोपियां थी वो भी कोई बड़ी अवस्था की नहीं थी, छोटी छोटी कुमारिकाएं थी। फोटो चित्र बनाने वाले भले ही वो वैसा बना देते हो पर वो छोटी छोटी कुमारियां थी, 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष की अवस्था वाली निर्विकार। पर ठाकुर जी तो उनको खिजाने के लिए, क्योंकि प्रेम में खिजाया भी जाता है चढ़ाया भी जाता है, तो वस्त्र लेकर के बैठ गए। अब वो गोपियों ने देखा अच्छा कृष्ण आए हैं तो अकेले नहीं आए, सखा भी साथ में, वस्त्र चाहिए तो आ जाओ और ले जाओ। अब गोपियां संकोच में हैं और उस समय गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेत्य राकुर्वामहे। हे श्याम सुंदर हम आपकी दासियां हैं। भरतलाल जी जब भगवान से कोई ये कहता है ना मैं आपका दास हूं, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे रैदास जी कहते हैं आज तो आनंद लेते हुए चलो महाराज का आनंद है।